चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो, कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जहां पर कमोडिटी में ट्रेड किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में, ठीक है। अब ये जो कमोडिटीज है ना, कमोडिटी में बहुत सारी कमोडिटी होती हैं, पर सारी कमोडिटीज लिस्टेड नहीं हैं, कुछ ही कमोडिटी लिस्टेड हैं। तो पहली कैटेगरी जो कमोडिटी की है उसे हम कहते हैं एग्री कमोडिटी। क्या कहते हैं? एग्री कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी होती है, अब ये जो एग्री कमोडिटी है ना, इसमें बहुत सारी कमोडिटी हैं लिस्टेड, जैसे वीट है, जैसे शुगर है, कुछ पल्सेज हैं, ठीक है। इस तरह की जो कमोडिटीज हैं उनको हम एग्री कमोडिटीज बोलते हैं। दूसरी कमोडिटी है जिनको हम बोलते हैं बेस मेटल। अब ये जो बेस मेटल हैं, जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है, कॉपर है, इस तरह की जो कमोडिटीज हैं वो बेस मेटल में आती हैं, ठीक है। तीसरी तरह की जो कमोडिटी हैं उनको हम बोलते हैं बुलियंस, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता है, ठीक है। बुलियंस गोल्ड और सिल्वर को बोला जाता है। तीसरी जो कमोडिटी है उसको बोला जाता है एनर्जी। तो ये जो अगली कमोडिटी है इसको बोला जाता है एनर्जी, और एनर्जी में जो मेजर एनर्जी होती है वो कहा जाता है क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को, इसको एनजी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये चार तरह की जो करेंसीज हैं ये ट्रेड होती हैं कमोडिटी मार्केट में। अब ये जो ट्रेड होती हैं इनके लिए जो एक्सचेंजेस हैं ट्रेड होने के लिए, मेजर एक्सचेंजेस वो हैं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX, और दूसरा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX, ठीक है। यहां पर 96% ऑफ टोटल वॉल्यूम इन एक्सचेंज पर किया जाता है, ठीक है। अब इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है, और इसका जो मार्केट में टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर, इसका जो टाइम होता है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:30 तक ये मार्केट चलता है, और सर्दियों में ये मार्केट और एक्सटेंड हो जाता है 11:55। आ रहा है समझ में? ये टाइम ऐसे चलता है। अब कमोडिटी मार्केट में भी आप दो तरीके से काम करते हो, पहला फ्यूचर्स और दूसरा ऑप्शंस। अब ध्यान रखना, हर कमोडिटी का ऑप्शन नहीं है, पर फ्यूचर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज का है, ठीक है। तो ऑप्शंस एक्स वो है, कंडीशनल है तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, कमोडिटीज के लिए डेटा काम करते हैं और डिमांड सप्लाई काम करती है, ठीक है। तो आप कमोडिटी को भी एनालाइज करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल में ध्यान रखना, डेटा एंड डिमांड सप्लाई ये मैटर करते हैं, ठीक है, ये मैटर करते हैं इसके लिए। अब सवाल उठता है कमोडिटी मार्केट में कौन काम करता है और क्यों काम करता है। अब देखो, कमोडिटी मार्केट ना टेक्निकली सबके लिए नहीं है। वैसे तो यहाँ पर ट्रेडर होते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये तो होते ही हैं, पर इसके अलावा ना यहाँ पर वो लोग भी काम करते हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फार्मर भी काम करते हैं। अब आप सोचोगे फार्मर कैसे काम करेगा, ये जो मार्केट है ना ये फार्मर के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो अपनी जो ग्रेन्स है या जो भी उसकी समझो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बेच सकता है, ठीक है। तो फार्मर भी इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनीज है ना जो कमोडिटी में डील करती हैं या कमोडिटी उनका एक प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर काम करते हैं। यानी जो कंपनीज हैं जो कमोडिटी रिस्क वाली कंपनी है, कमोडिटी रिस्क क्या होता है, प्राइस ऊपर नीचे चला गया तो उनको रिस्क हो जाएगा, तो वो कंपनी भी यहाँ पे काम करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ITC है, ITC बिस्किट बनाती है ना। अब ITC मान लेते हैं कि जो वीट का प्राइस है, अगर वीट का प्राइस ऊपर चला गया तो ITC की लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बढ़ने पर क्या होगा, बिस्किट महंगा होगा, महंगा होने पर कंज्यूमर हो सकता है वो बिस्किट ना खरीदे, और ये करने पर ITC को नुकसान होगा, नुकसान होने से ITC का शेयर का प्राइस नीचे आएगा, ITC कंपनी को घाटा होगा।
तो क्या वो घाटा कमाने के लिए बैठी है? नहीं। तो आईटीसी क्या करेगी? आईटीसी का जितना प्रोडक्शन होता है उसको एक एक टेंटेटिव फिगर लेकर वो जाएगी और इस वीट को एक्सचेंज पर बाय कर लेगी, ठीक है? एक तरह से हैच कर लेगी, अगर मैं बोलूं तो भी क्या गलत है? अगर वीट को वो हैच कर लेगी तो प्राइस ऊपर जाए या नीचे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मैक्सिमम कंपनी यही काम करती है, क्या कर लेती है? हेजिंग कर लेती है, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ये कंपनीज होती हैं जो यहाँ पर काम करती हैं। अब फायदे क्या हैं भाई कमोडिटी मार्केट में काम करने के? फायदे क्या हैं? बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ट्रांसपेरेंसी है। तो सबसे पहला फायदा क्या है? ट्रांसपेरेंसी है प्राइस की। जो दिखता है वही बिकता है। जो प्राइस आप देख रहे हो ना वही प्राइस आपको मिलने वाला है। आप ज्वेलर के पास चले जाओ, बोलो भैया मेरे को आज एक तोले सोना लेना है, तो बोलेगा जी सोना तो महंगा है। आप बोलोगे मार्केट में तो इतना चल रहा है, बोलेगा मार्केट के रेट से सोना मिल ही नहीं रहा, यही बोलेगा ना। पर यहाँ खरीद लो, यहाँ खरीदोगे तो सेम रेट ही तो पे कर रहे हो। तो ट्रांसपेरेंसी है। दूसरा, वाइड पार्टिसिपेशन। आपकी तरह हजारों लाखों लोग इस मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है? तीसरी चीज, यहाँ पर लो मार्जिन लगता है। एक किलो गोल्ड कितने का आता है? 60 मान लेते हैं जीएसटी लगा के। यहाँ पर अगर एक किलो गोल्ड खरीदते हो ना तो आपको केवल 10% मार्जिन पे करना पड़ता है। 10% यानी 6 लाख रुपए। और वही आप अगर मार्केट से लेने जाओगे तो कितने का मिलेगा? तो लो मार्जिन में अवेलेबल होता है, सबसे अच्छी बात। एक और फ़ायदा, घर में जब एक किलो सोना रखोगे डर लगेगा, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। यहाँ पे तो इंश्योरेंस कॉस्ट ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़ा है, कौन ले लेगा? कोई ले नहीं सकता, तो इंश्योरेंस कॉस्ट यहाँ पे नहीं होती है। आ रहा है समझ में? ये फ़ायदे हैं किसके? कमोडिटी मार्केट। तो ये फ़ायदों के साथ आप कमोडिटी मार्केट में काम कर सकते हो। अब एक और चीज़ कि कमोडिटी मार्केट में ना फिजिकल डिलीवरी मिलती है, तो यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी का कंसेप्ट है। आप फिजिकल डिलीवरी ले भी सकते हो और दे भी सकते हो। समझो आपने गोल्ड खरीदा, ठीक है? यहाँ पे गोल्ड खरीदा आपने 1 kg और आप इसकी डिलीवरी चाहते हैं, तो एक्सचेंज आपके घर पे डिलीवर करेगा। पर अगर आप वीट की डिलीवरी चाहते हैं तो घर पे डिलीवरी नहीं होगी, इनका वेयर हाउस होता है, वहाँ पे आपको दे दिया जाएगा टाइम एड्रेस, आप अपना ट्रांसपोर्टेशन लेके जाएंगे, अपना इंस्पेक्टर लेके जाएंगे क्वालिटी चेक के लिए और वहाँ से फिर कलेक्ट करेंगे। पर इन दोनों ही केस में डिलीवरी मिलती है फिजिकल, ठीक है? आ रही मेरी बात समझ में? जितना पैसा है उतना, ऐसे थोड़ी जितना पैसा मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। हाँ उतना कर सकते हैं, पर लॉट साइज तो इसका वो होता है ना, स्टैंडर्ड होता है और सबका अलग अलग लॉट साइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गोल्ड की बात करता हूँ, जैसे गोल्ड का ही बता देता हूँ, ठीक है? सो गोल्ड में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे गोल्ड है। अब गोल्ड का एक रेगुलर साइज आता है जो आता है 1 kg का, ठीक है? फिर गोल्ड का दूसरा जो साइज आता है उसे हम कहते हैं मिनी, ये आता है 100 ग्राम का, ठीक है? फिर आता है गोल्ड पेटल, वो आता है 8 ग्राम का। गुनिया आता है 1 ग्राम का, ऐसे होता है। तो ये लॉट साइज के हिसाब से, अब मैं आपको दिखाऊं ये लॉट साइज, आपको चेक कराता हूं। अब ये क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है? अब ये एल्यूमिनियम है जिसका लॉट साइज कितना है? 1 मैट्रिक टन। ये एल्यूमिनियम का बड़ा साइज है, इसका लॉट साइज कितना? 5 मैट्रिक टन। ये कॉपर है 2.5 मैट्रिक टन। कॉटन कैंडी इस तरह से आप देख रहे हो, ये सारा लॉट साइज है। अब यहां पर देखो ये मार्जिन है, अगर आप ये एल्यूमिनियम खरीदते हो ना तो आपको ये कितना 22,905 रुपए का मार्जिन पे करना पड़ेगा, और करंट मार्केट प्राइस कितना है? 203 रुपए का, ठीक है? आ रहा है समझ में? तो ये सारी चीजें आप देखो। अब इसी तरह से गोल्ड में देखो, अब यहां पर आप देखो गोल्ड जो है, ये गोल्ड रेगुलर है, कितने किलो का है? कितने लाख का है? 5,74,000। इसी तरह से ये गोल्ड मिनी है, एम जहां लिखा है, कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का। और कितने का है? 57,000। इसका 10वां हिस्सा हो गया ना। अब ये है गोल्ड गुनिया 8 ग्राम का, और इसका इसका मार्जिन कितना है? 4600 का। और ये है गोल्ड पेटल 1 ग्राम का, और इसका कितना है? उसी प्रोपोर्शन में तो कम हो रहा है, ये मार्जिन है। जितना लॉट साइज कम हो रहा है उसी हिसाब से फिर आपका क्या कम हो रहा है? मार्जिन कम हो रहा है, इसी को मार्जिन बोलते हैं। मेरा नाम है अतुल, मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई।
उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588-68475 और विजिट www.onlinenifm.com।